हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, काम तो आसानी से मिल जाता है मगर मजदूरी नहीं मिलती। मैं चाहे चाय बेचूं, चाय पकोड़े बेचूं, पर तुमसे बर्तन जरूर मंजवा दूंगा मित्रों। और ये बर्तन मंजे तो समझ लो तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा मित्रों। सिमरन बेटा, बेरोजगार हो जाएंगे। भाग सिमरन भाग। शाहरुख खान। ए अरे सिमरन, जो तुम यहाँ से भाग गई तो हमारे को एक ही काम दे रखा मोदी जी ने। अरे हम तो बेरोजगार हो जाएंगे सिमरन। अरे हमारे देश में रोजगार तो बचा नहीं है। हम ये सोच लेंगे सिमरन के पीछे भाग भाग के हमने रोजगार पा लिया। अरे दुनिया ये सोच रही है क्या कि लड़कियों के भाग पीछे भागना भी तो काम आसान है? ऐसा नहीं है। अरे किसी को लड़की के पीछे भागना पड़ता है और पुलिस आए तो डंडे मार के पीछे भागना पड़ता है। ए सिमरन तुम रुक जाओ ना, तुम मुझे कब तक लुटाओगी सिमरन? प्लीज सिमरन, सिमरन रुक जाओ ना सिमरन। मोदी से पूछ ले बेटा, मोदी क्या बोलेगा तेरे को। मैंने कहा मित्रों, चाहे तुम सिमरन के पीछे चले जाओ, चाहे जुमरन के पीछे चले जाओ, मेरा देश सबसे आगे होगा। चाहे लड़की के पीछे चले जाओ, मैंने लाल किले पे खड़ा होके बोला था कि अगर लड़की के पीछे गए तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, और लड़की तुम्हारे पीछे आई फिर भी तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला? बोला था मित्रों, क्योंकि मेरा देश महान है जिसके 100 के 100 नेता बेईमान है, फिर भी मेरा देश महान है। क्योंकि मित्रों, काम तो आसानी से मिल जाता है मगर मजदूरी नहीं मिलती। मैं चाहे चाय बेचूं, चाय पकोड़े बेचूं, पर तुमसे बर्तन जरूर मंजवा दूंगा मित्रों। और ये बर्तन मंजे तो समझ लो तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा मित्रों। जिसके घर में घरवाली खुश तो बंदा हुश। मैं तुम्हें कुत्ता नहीं कह रहा हूं मित्रों, कभी हुश समझ के कुत्ता समझ लो, ऐसा मत सोचना मित्रों। आज की डेट में जो घरवाली की बात मानता है, चाहे मैं हूं बेशक मैंने छोड़ दी है, चाहे आप हो चाहे आपके साथ दो दो लगी हुई है, लेकिन मित्रों कसम हिंदुस्तान की और कसम इत्मीनान की, जिसने अपनी भाषा में अपनी घरवाली को मान लिया, वही दुर्गा है, वही चंडी है, वही लक्ष्मी है, और वही लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। और मित्रों, जो आदमी उल्लू बन गया वो धनमान हो गया मित्रों। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।